ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के भिवंडी में कांग्रेस नेता मनोज मेहात्रे की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमलावरों ने तलवार से हाथ काटने के अलावा कांग्रेस नेता को 3 गोली मारी थी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह 14 फरवरी को रात लगभग 9 बजे भिवंडी कांग्रेस के दबंग नेता की हत्या हुई थी। भिवंडी जोन 2 के पुलिस उपायुक्त मनोज पाटिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए 6 टीमें बना दी गई है। पाटिल ने बताया कि जिस इलाके से मनोज महात्रे चुनाव जीत रहे थे वहां से आरोपी प्रशांत महात्रे के माता पिता चुने जा चुके हैं, मगर कथित तौर पर मनोज ने धोखे से उन्हें हटा दिया था। आने वाले अप्रैल में भिवंडी मनपा चुनाव होना है, जिसके लिए प्रशांत तैयारी कर रहा था। आरोप है कि अपने अन्य भाइयों संग मिलकर उसने यह वारदात की है। सिकंदरा राव के खेमगढ़ी गांव से शिवराज सिंह नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवराज सिंह पिता जय सिंह नाम के व्यक्ति को सिकंदरा राव के पास के गांव खैरमढ़ी में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 100 नंबर की सूचना पर और यह व्यक्ति राम खिलाड़ी के घर पर किराए पर रहता था, तभी पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से बरामद किए हैं 315 बोर की राइफल और 15 कारतूस पकड़े हैं। निवासी नगरिया थाना दादो जिला अलीगढ़ का रहने वाला है। क्या हुआ था, कहाँ आए थे तुम? हम पिछले दिन में आए थे खेमगढ़ी। खेमगढ़ी? अच्छा, खेमगढ़ी से पकड़े गए थे। हाँ। तो खेमगढ़ी से जब पकड़े गए थे, हाँ, तो क्या था आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, तो आप जब आए हो तो पुलिस राइफल लेके आपके साथ आई? आपके साथ आई है। तो ये राइफल और कितने कारतूस थे इसमें? ये 10 या 15। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। इसी के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने पीएम मोदी के शमशान वाले बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या बीजेपी शासित हर राज्य के गांव में हिंदुओं के लिए अलग शमशान है? आपको बता दें, फतेहपुर की रैली में मोदी ने सूबे में भेदभाव का जिक्र करते हुए सांप्रदायिक रंग के साथ मिसाल पेश की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोदी ने कहा था, यूपी में भेदभाव सबसे बड़ा संकट है, ये भेदभाव नहीं चल सकता, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए, ये सबका साथ सबका विकास होता है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा काट रही शशिकला के वकील ने शिफ्ट करने की अर्जी लगाई है। जानकारों का मानना है कि यह सब इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी शशिकला को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेजा गया है। ऐसे में बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के शशिकला को बेंगलोर की जेल से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। AIADMK के वरिष्ठ पदाधिकारी इस संबंध में कुछ बोलने से बच रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि फिलहाल हम इस स्थिति में नहीं है कि इस खबर को नकार सकें या स्वीकार कर सकें। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि हम सब शशिकला को बेंगलोर से चेन्नई शिफ्ट करवाना चाहते हैं। पार्टी प्रवक्ता अवादी कुमार का कहना है कि यह एक योग्य केस है, हमारे वकील पूरे अधिकार के साथ इसकी मांग कर रहे हैं, कानून के तहत प्रावधान के अनुसार शशिकला को शिफ्ट करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक नाबालिग ने फिल्म को देखकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। आजकल फिल्म और टीवी का असर किशोर अवस्था के बच्चों पर इस कदर हावी हो गया है कि वो अपहरण जैसे खौफनाक साजिश को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बात का अंदाजा कल्याणपुरी में हुई इस ताजा घटना से लगाया जा सकता है, जहां एक नाबालिग ने पहले फिल्म देखी जिसमें किसी बच्चे को आसानी से अपहरण कर लिया जाता है और आसानी से पैसा कमाया जाता है। बस यहीं से फिल्म में हुई घटना क्रम ने नाबालिग के दिमाग में जो एक खौफनाक साजिश पैदा हो गई, जिसके बाद उसने अपने ही मालिक के 4 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया और 4 लाख फिरौती की मांग की। परिजनों के मुताबिक बच्चे के पिता सुधीर गुप्ता कल्याणपुरी में जनरल स्टोर चलाते हैं, जहां और वहीं आसपास में रहते हैं। हाँ, उनके घर पर किशोर घरेलू नौकर का काम करता है और कुछ समय पहले ही उसकी मां का गांव में देहांत हो गया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी का कहना है कि उससे कोई प्यार नहीं करता था, जिससे काफ़ी दिनों से वह मानसिक तौर पर परेशान मालिक के घर पर जब उसने एक फिल्म में हुई एक अपहरण की घटना को देखने के बाद उसने पूरी साजिश रची और
इजी मनी बनाने के चक्कर में घर पर खेलते मासूम बच्चे का अपहरण कर बदायूं ले गया, जहां से फोन कर अपने मालिक से बच्चे की जिंदगी के बदले 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई और फोन सर्विलेंस के आधार पर आरोपी और बच्चे को बरेली से सकुशल बरामद कर लिया गया, जिसके बाद परिवार बहुत खुश है। पुलिस की मुस्तैदी से खुश होकर परिवार ने कल्याणपुरी एसएचओ सहित पूरी टीम को फूल का गुलदस्ता देकर धन्यवाद किया। मुझे करीबन की बात है, मेरे बच्चे दोनों घर पे थे, वो कहीं निकलते नहीं हैं और उसके बच्चे की माता ने से मेरे भी निकली, मेरे बच्चे की भी निकली थी बड़े बड़े, ये भी घर पे था, मुझे पहले रह चुका था, ये सब बच्चे जानते थे। घर पे आया चुपचाप, मेरे लड़का कह रहा मम्मी बड़ा वाला कि मम्मा कुछ रेड कलर की बनियान पहन रखी उसने, ब्लू कलर की उसने वो पैंट पहन रखी, और देवू के पास आया उसने ऐसे करा कपड़े से लेके पूछ डाल के और ऐसे रगड़ा होकर और अपने कंधे पर डाल के लेके चला गया, बोला मम्मी बुला गई इसकी। कल शाम को 7 बजे एक पेरेंट ने आकर के बताया कि 4 साल का उनका बच्चा घर से गायब है। इस पर 363 IPC किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया और जो रूटीन पुलिस की प्रैक्टिस है उसको फॉलोअप करके सब जगह मैसेज दिए गए। लेकिन शाम को 9:30 बजे बच्चे के फादर को एक रैमसम की कॉल आती है कि 4 लाख रुपए लेकर के आप बदायूं पहुंच जाओ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो आपका बच्चे को मार जाने। एटा में मौसम के बदलते ही लोगों का बीमार पड़ना शुरू हो गया है। एटा में मौसम के बदलते ही लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। मौसम बदलने से लोगों को जुकाम खांसी बुखार जैसी बीमारियों के मरीज अधिकतम नजर आ रहे हैं। एटा जिला अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़ इस बात का सबूत दे रही है कि मौसम बदलने के बाद काफ़ी बीमारी फैल गई है। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि पिछले कई दिनों से बुखार जुकाम खांसी के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर एक दिन में करीब 250 से 300 मरीज को देखता था और पिछले कई दिनों से लगभग लगातार 1600 से ऊपर मरीज प्रतिदिन बुखार खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। बताया कि सोमवार को 2000 से अधिक पर्चे बनाए जाते हैं क्योंकि रविवार को अस्पताल बंद रहता है। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को लाइन में लगकर दवा लेनी पड़ती है और बड़ी लाइन होने के कारण मरीज जमीन पर ही बैठ जाते हैं। मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एटा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। डॉक्टर कम होने के कारण मरीज को परेशान होना पड़ रहा है। ये मौसम का जो बदलाव है, सुबह ठंडे गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, रात में आदमी ठंडे में लगा हुआ होता है, कोई ठंडा है, इसी तरह से पकड़े नहीं पड़ते हैं कहते हैं, जहाँ मौसम गर्मी नहीं होती उससे ठंडा होता है, कोई कोई मौसम ज़्यादा बीमारी के नाम पर ऐसी कोई ऐसी बीमारी नहीं आ रही है, मलेरिया टाइफाइड टाइफाइड तरह का कोई बीमारी नहीं। पूरे दिन में डॉक्टर साहब कितने मरीज आ जाते होंगे अभी आपके पास? तो फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। भारत की बहुत